नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और मैं हूं आपके साथ नैंसी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ही मुश्किल बात है कि अगर किसी नंद और भाभी की ट्विनिंग अच्छी मिलती हो, और इन दिनों जिस तरीके से बच्चन परिवार सुर्खियों का कारण बना हुआ है, उस तरीके से साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि भाई श्वेता बच्चा नंदन और कहीं ना कहीं ऐश्वर्या जो है, श्वेता और ऐश्वर्या के बच्चन परिवार की बेटी और बहू के रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब ऐसे में हाल ही में श्वेता जो है बीते दौरान ही कॉफी विद करण में पहुंची थी, जहां पर श्वेता ने जम के बुराई करी अपनी भाभी ऐश्वर्या की, और वो भी अपने भाई अभिषेक के सामने। यकीनन ही आप जान के हैरान हो जाएंगे, और अभिषेक वहां पर कुछ कह ही नहीं पाए जब श्वेता यहां पर ऐश्वर्या की बेइज्जती कर रही थी। लगातार उन्होंने करण जौहर के सामने बताया कि आखिरकार किन हरकतों से उनको जो है ऐश्वर्या से नफरत है, कौन सी ऐसी हरकत है जो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है, और क्या कुछ वो कहती दिखाई दी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हेलो, वीओ स्टार्ट। भाई बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा गया है कि भाई श्वेता और ऐश्वर्या की कैट फाइट किसी से छुपी नहीं है। अक्सर ये कहा जाता है कि भाई सोशल मीडिया हो या फिर पेपराजी के सामने या फिर कोई भी बड़ा इवेंट क्यों ना हो, श्वेता और ऐश्वर्या एक दूसरे से नजरें चुराए ही दिखाई देते हैं। अब ले लीजिए हाल ही में भाई श्वेता ने कुछ ऐसी बातों का खुलासा कर दिया है जिससे साफ तौर पर ये जाहिर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई श्वेता बिल्कुल भी ऐश्वर्या को पसंद नहीं करती। ऐसा हम नहीं, खुद श्वेता ने कॉफी विद करण में करण के सामने और अभिषेक के सामने कहा। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि भाई ऐश्वर्या जो है उनको सबसे ज़्यादा उनसे जो है गुस्सा आता है, नफरत होती है, वो व्हाट्सएप पर रिप्लाई ही नहीं करती। उनका दूसरा ये कहना था कि ऐश्वर्या का कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, जिन चीज़ों को देखकर उन्हें बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आती। आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पर श्वेता बच्चन नंदा साफ तौर पर ये कहती हुई दिखाई दी कि हाँ उन्हें जो चीज़ें ऐश्वर्या में नहीं पसंद वो ये सब चीज़ें हैं, बाकी रेस्ट ऑफ दैट उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या एक अच्छी माँ भी है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अभिषेक बच्चन के सामने श्वेता और ऐश्वर्या का मनमुटाव साफ तौर पर कॉफी विद करण में देखने को मिला। साफ तौर पर श्वेता ने ये क्लियर कर दिया कि भाई अपने मन में कोई भी भ्रम पैदा मत कीजिएगा, हमारी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। और ये अक्सर देखा गया है, अगर कोई भी इवेंट की बात करें या फिर किसी भी बड़े सितारे की मैरिज की बात करें, रिसेप्शन पार्टी की बात करें या फिर एक नॉर्मल पार्टी की बात करें, तो अगर एक छत के नीचे ऐश्वर्या और श्वेता हैं तो भी वो आपस में बात करती हुई नहीं देखी जाती हैं। आपको बता दें कि भाई हाल ही में पेरिस फैशन वीक के दौरान भी जहाँ पर ऐश्वर्या पहुँची थी रैंप पर वॉक करने, तो वहीं पहली बार नव्या नंदा को भी मौका दिया गया था, जिसके चलते साफ तौर पर उन्हें चेयर करने के लिए जो है जया बच्चन एंड उनकी मम्मा श्वेता भी पहुंची थी, जहां पर श्वेता और जया को तो एक साथ देखा गया माँ बेटी को, मगर वहां पर नहीं दिखाई दी ऐश्वर्या राय। जी हां, आपको बता दें कि इनकी भी तस्वीरें साझा की थी खुद श्वेता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर, जहाँ पर ऐश्वर्या नहीं दिखाई दे रही थी और ना ही कभी भी देखा गया कि ऐश्वर्या श्वेता के बच्चों को चीयर अप करती हुई दिखाई देती है। इससे कहीं ना कहीं चीज़ें साफ तौर पर जाहिर हो रही हैं, और ऐसे में वहां पर आराध्या भी मौजूद रही, मगर आराध्या की भी कोई तस्वीर जो है अपनी दादी जया के साथ और बुआ के साथ नहीं देखने को मिली। अब ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल लगातार ये बनता है कि आखिरकार ऐसे भी क्या इतने ग्रजेस हो गए जो श्वेता ऐश्वर्या को अब तक अपना ही नहीं पा रही है। तो आपको ये जानकारी दे दें, हमने अपनी बीती रिपोर्ट के माध्यम में आपको बताया ही था कि श्वेता बच्चन नंदा जो है बच्चन परिवार की बहू किसी और का नहीं बल्कि करिश्मा बच्चन को बनाना चाहती थी। तो वहीं कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि भाई ऐसे में श्वेता जो है ऐश्वर्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। आपको बता दें कि बीते काफी लंबे समय से सोशल मीडिया पर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या की तलाक की खबरें सोशल मीडिया पर हैं, और कहीं ना कहीं हर एक शख्स चाहता है कि उनकी तरफ से कोई एक कंफर्मेशन भी दिखाई दे। अब जहां पर एक तरफ देखा जा रहा है कि श्वेता और ऐश्वर्या की पल भर भी नहीं बनती, तो क्या बच्चन परिवार में सही फिट हो पाएंगी ऐश्वर्या? क्योंकि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पिछले 16 साल से ऐश्वर्या जो है बच्चन परिवार में
फिट होने की कोशिश कर रही हैं, मगर स्टिल द बाउंड्रीज आर डिफरेंट, यही कहेंगे हम, मगर अब तक वो जो है शायद फिट नहीं हो पाए। क्या कुछ है आपकी राय, क्या श्वेता जो है जिस हिसाब से व्यवहार करती हैं ऐश्वर्या को लेकर, क्या वो सही है? क्या सच में इनकी राहें बदल जाएंगी? क्या अभिषेक और ऐश्वर्या का अलग अलग घर होगा? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएगा। फिलहाल मैं चली, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर जो है कॉफी विद करण में श्वेता बच्चन नंदा यहाँ पर ऐश्वर्या की बुराई कर रही है। एक तरफ तारीफ करती है, कहती है बहुत अच्छी मदर है, तो दूसरी तरफ कहती है कि उनको बिल्कुल नहीं पसंद है कि वो व्हाट्सएप चैट पे रिप्लाई नहीं करती। साथ ही साथ उनका कहना है कि भाई ऐश्वर्या का कोई भी टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। साफ तौर पर यहाँ पर देखा गया है कि भाई अभिषेक के सामने ऐश्वर्या को लेकर जिस हिसाब से श्वेता यहाँ बातें करती हुई दिखाई दी हैं, उनकी बुराइयां इवन करती हुई दिखाई दी हैं, वो यकीनन ही काफी हैरान कर देने वाली है। और मीडिया में अब जो है लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पुराना क्लिप श्वेता का ये वायरल हो रहा है, उससे साफ तौर पर तो जाहिर होता है कि श्वेता और ऐश्वर्या के रिश्ते पहले से ही खराब थे। मगर 16 साल लंबा समय जो ऐश्वर्या ने बच्चन परिवार में निकाला है, उससे कहीं ना कहीं मानो ऐसा लग रहा है कि हाँ, बच्चन परिवार में काफी सपोर्ट उन्होंने किया है। उन्होंने कोशिश की है कि हाँ जो है बच्चन परिवार जुड़ा रहे, वो इस घर की बहू बनी रहे, मगर जिस हिसाब से खबरें लगातार देखी जा रही हैं, उससे साफ तौर पर यही जाहिर हो रहा है कि भाई अब जो है श्वेता और जया के कारण ही अभिषेक और ऐश्वर्या का घर टूट सकता है। जी हाँ, लगातार सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि बच्चन परिवार की तरफ से कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो इस बात पर मोहर लगाती हुई भी दिखाई दी है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। हमारे चैनल को कर दीजिएगा आप सब्सक्राइब। मैं चली, बाय बाय।